नमस्कार बच्चों, आज हम नव्या हिंदी पाठ्य पुस्तक से पांचवी कक्षा के लिए एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे। लेकिन नए पाठ की ओर चलने से पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। तो बच्चों, मुझे ये बताओ कि आपका मन पसंदीदा खेल कौन सा है? जी हाँ, तो कुछ बच्चों को खो खो पसंद है, कुछ बच्चों को क्रिकेट पसंद है, कुछ बच्चों को हॉकी पसंद है, कुछ बच्चों को फुटबॉल पसंद है। तो ऐसे ही ये सारे जो खेल है, ये खेल भारत में खेले जाते हैं। तो इन खेलों में अलग अलग छात्रों की अलग अलग रुचि होती है। जिन बच्चों को जिस खेल की रुचि रहती है, वो उस खेल को बहुत ही आनंदी और उत्साहपूर्वक खेल खेलते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम एक नए पाठ की ओर चलते हैं, जिसका नाम है क्रिकेट का भगवान। तो बच्चों, क्रिकेट यह नाम सुनते ही आप एकदम से खुश हो जाते हैं ना, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कि हर एक छोटे से बड़े लोगों को ये जो खेल है, ये बहुत ही पसंद है और वो खेल सब लोग मन लगाकर खेलते हैं। इस खेल में, ये जो क्रिकेट खेल है, ये खेल किसने लाया है और क्रिकेट का मास्टर ब्लास्टर कौन है, वो आप सभी को पता ही है। जी हाँ, तो क्रिकेट का मास्टर ब्लास्टर कौन है? सचिन तेंदुलकर जी। तो चलिए बच्चों, आज हम क्रिकेट के भगवान को जानते हैं, उनकी पूरी क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। भारत में क्रिकेट को एक खेल ही नहीं बल्कि एक धर्म भी माना है। तो इन्हीं जैसे भारत में धर्म यानी धर्म का दर्जा दिया है, तो इन्हीं धर्म से संबंधित, जैसे कि धर्म यानी हम जैसे भगवान मानते हैं, वैसे ही क्रिकेट का भगवान है सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर को हम पूछते हैं, उनका नाम बहुत ही आदर से हम अपने जुबान से निकालते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जी ने ही क्या किया है, भारत को एक बड़े ही ऊंचाई पर लेकर गए हैं। तो यानी उन्हीं की वजह से भारत का नाम जो है वो रोशन हो गया है। आज हम देखते हैं कि क्रिकेट हर एक घर घर में खेला जाता है, छोटे से बड़े और बुजुर्गों तक ये खेल बड़े ही शान से आनंदित पूर्वक उत्साह पूर्वक ये खेल खेलते हैं। तो चलिए बच्चों, हम पाठ की ओर चलते हैं। तो पाठ का नाम कुछ इस प्रकार है, क्रिकेट का भगवान। जैसे कि मैंने पहले ही आपको जानकारी दी है कि क्रिकेट के भगवान कौन है, तो क्रिकेट के भगवान यहाँ पर दिखाई देते हैं, ये है सचिन तेंदुलकर जी। जी हाँ, ये ही है सचिन तेंदुलकर जी। तो बच्चों, आज हम इस पाठ के जरिए क्या सीखेंगे? इस पाठ के जरिए हम सचिन तेंदुलकर जी का जीवन परिचय देखेंगे, उनके जीवन में उन्होंने क्या क्या किया है ये देखेंगे, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सचिन तेंदुलकर ने क्या क्या परिश्रम उठाए, ये सभी जानकारी हम इस पाठ के जरिए लेंगे। तो हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा परिश्रमी रहना चाहिए और हमारे जीवन में एक लक्ष्य रखना चाहिए, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सभी मुश्किलों का, सभी कठिनाइयों का सामना करते जाना है। यही हम इस पाठ के जरिए, जिस तरह तेंदुलकर जी ने अपने जीवन में परिश्रम किया, उसी तरह से हमें भी हमारे जीवन में परिश्रम करना चाहिए, यह इस पाठ से सीख मिलेगी। तो चलिए बच्चों, अभी हम पाठ का अध्ययन करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों,
मैं अभी पाठ को पढ़ती हूँ, ठीक है। मैंने भगवान को देखा है, वो भारत के लिए 4 नंबर पर खेलते हैं। यह कथन मशहूर क्रिकेटर मैथ्यू हेडन का, यानी मैथ्यू हेडन ने यह कथन दिया है कि मैंने भगवान को देखा है, वो भी भारत के 4 नंबर पर खेले जाने वाले कौन है, बल्कि सचिन तेंदुलकर जी है। बताने की जरूरत नहीं है कि यह किसके बारे में कहा गया है, ये कहा गया है किसके बारे में, सचिन तेंदुलकर जी के बारे में। लाखों के दिलों की धड़कन, करोड़ों का अरमान, भारत की शान, क्रिकेट का भगवान कौन है, सचिन रमेश तेंदुलकर। तो चलिए बच्चों, तो यहाँ पर क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने एक बहुत ही अच्छा कथन दिया है कि मैंने भगवान को देखा है, तो सचिन तेंदुलकर जी को सब लोग क्या कहते हैं, भगवान मानते हैं, और वो भगवान जो कि हमारे भारत के लिए 4 नंबर पर खेलते हैं। तो ये सभी को पता है, सभी लोगों को पता है, लाखों दिलों की धड़कन, करोड़ों का अरमान और भारत की शान, ऐसे इन सभी नामों से सचिन तेंदुलकर जी को एक सम्मानित किया जाता है, इन सभी नामों से सचिन तेंदुलकर जी को पुकारा जाता है, तो उनको एक भगवान का दर्जा दिया है। तो मैथ्यू हेडन ने एक अच्छा कथन यहाँ पर सुनवाया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अभी हम क्या करेंगे, उनका जीवन परिचय देखेंगे, यानी उनका जन्म कब हुआ, ये सभी बातें इस पाठ में हम देखेंगे। सचिन तेंदुलकर जी का जन्म 24 अप्रैल 1973 में राजपुर के मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता रमेश तेंदुलकर प्रोफेसर होने के साथ साथ मराठी साहित्य के प्रतिष्ठित साहित्यकार भी थे। तो इनका जन्म कब हुआ बच्चों, 24 अप्रैल 1973 में राजपुर के मराठी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। और इनके पिताजी का नाम क्या है, इनके पिताजी का नाम है रमेश तेंदुलकर, जो कि एक प्रोफेसर होने के साथ साथ ये एक प्रतिष्ठित साहित्यकार भी है, इन्होंने ये साहित्य लिखते हैं। अपने चहेते संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर इनका नाम सचिन तेंदुलकर रखा था। इनकी माता का नाम रजनी तेंदुलकर, जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC में कार्यरत थी, ये LIC में काम करती थी। सचिन बचपन में बहुत ही शरारती थे, वो क्या क्या शरारती करते थे अभी हम देखते हैं। गाड़ियों की हवा निकाल देना, लोगों को उनके फ्लैट में बाहर से लॉक कर देना आदि इनकी शरारतें थी। तो ये क्या करते थे सचिन तेंदुलकर, गाड़ियां जो लगाते थे फ्लैट के नीचे, उन सभी गाड़ियों की हवा निकाल देना और लोगों को उनके फ्लैट में बाहर से बंद कर देना, लॉक कर देना, ये सारी शरारतें सचिन तेंदुलकर बड़े ही नटखते, बड़े ही शरारती थे। तो ये सारी हरकतें सचिन तेंदुलकर जी करते थे। क्रिकेट के प्रति इनका बहुत लगाव था, यानी इनकी बहुत, यहाँ पर शब्द दिया है रुझान, रुझान का अर्थ है लगाव या फिर इंटरेस्ट, रुचि। तो ये है क्रिकेट के प्रति इनकी बहुत ही रुचि थी। तो वो कब से शुरू दिखाई देने लगी, कि बचपन से ही इनमें ये क्रिकेट की रुचि निर्माण हुई। उनके भाई अजीत तेंदुलकर, तो इनके भाई का नाम क्या है, अजीत तेंदुलकर, इन्होंने देखा कि सचिन का जो लगाव है वो क्रिकेट की ओर बहुत ही दिखाई दे रहा था। तो अजीत तेंदुलकर ने इनके लगाव को पहचाना और क्रिकेट के प्रशिक्षण के लिए कोच रमाकांत अचरेकर के पास ले गए। तो इन्होंने समझा सचिन तेंदुलकर जी का रुचि, इन्होंने समझी और इन्होंने क्या किया, क्रिकेट का ही क्या किया, प्रशिक्षण देने के लिए इन्होंने क्या किया, कोच रमाकांत अचरेकर के पास सचिन को ले गए। और तब से सचिन अभ्यास करते थे, कौन सा अभ्यास, क्रिकेट का, यानी तब से क्या किया, कोच रमाकांत के पास जाकर इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की, यानी
अभ्यास करते थे। तो अचरेकर क्या करते थे, तो अचरेकर सर मिडल स्टंप पर 1 रुपए का सिक्का रख देते थे और कहते थे, यदि दिए गए समय में कोई तुम्हें आउट न कर सके तो यह सिक्का तुम्हारा, नहीं तो आउट करने वाले का। तो ऐसे शर्तें उनके सामने रखते थे। तब सचिन तेंदुलकर क्या करते थे, सभी उनको वो क्या करते थे, वो सारे सिक्के इन्होंने बटोरे थे, यानी सभी इकट्ठे कर लिए थे, वो सारी शर्तें ये जीतते गए। सचिन ने बहुत सारे सिक्के बटोरे थे यानी इकट्ठे किए थे, जो कि उनके अच्छे खेल का प्रमाण था। यानी उनको ये प्रैक्टिस करने के लिए कोच रमाकांत अचरेकर जी क्या करते थे, एक शर्त रखते थे। क्या शर्त रखते थे कि मिडल स्टंप पर 1 रुपए का एक सिक्का रख देते थे और कहते थे कि यदि दिए गए समय में कोई तुम्हें आउट न कर सके तो यह सिक्का तुम्हारा, यानी कि दिए गए समय पर कोई तुम्हें आउट न कर सके तो ये जो सिक्का मैंने रखा है यहाँ स्टंप पर, ये सिक्का जो है ये तुम्हारा हो जाएगा। तो समय को उन्होंने ध्यान में रखकर ये सारे सिक्के बटोरे और अपनी जो अपना जो लगाव था क्रिकेट के प्रति और जो प्रैक्टिस थी, जो अभ्यास था, इन्होंने क्या किया, मन लगाकर किया। तो बच्चों, अगर आप भी कौन से भी एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो उसमें रुचि होना बहुत जरूरी है। अगर आपको इंटरेस्ट है उस काम में तो ही वो काम क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अभी आप पढ़ाई की बात कीजिए, यहाँ पर अगर आप मन लगाकर आप पढ़ाई करोगे या फिर आप कुछ ना कुछ ऐसी शर्त रखोगे आपके सामने या फिर एक लक्ष्य रखोगे, आप अपनी पढ़ाई मन लगाकर करोगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आपको कोई भी पीछे नहीं रख सकता। तो आप क्या करोगे, आपका क्या होगा, आप हमेशा आगे जाते रहोगे। और पढ़ाई करने से क्या होता है, हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ता जाता है और एक ज्ञान दूसरों को भी बांटना चाहिए। तो अगर सचिन ने किस तरह से अपना अभ्यास किया, अपना प्रैक्टिस किया, उसी तरह से अगर आप भी पढ़ाई में आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, यश प्राप्त हो जाएगा, सफलता मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो हमने इस पहले पैराग्राफ में मैथ्यू हेडन ने किस तरह से सचिन को एक भगवान माना है और उनके बारे में बताया है, इस फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा। दूसरे पैराग्राफ में हमने देखा कि इनका जन्म कब हुआ, इनके परिवार के बारे में देखा हमने, जो कि इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 में हुआ। इनके पिताजी का नाम है रमेश तेंदुलकर, इनके माता का नाम है रजनी तेंदुलकर और इनके भाई का नाम है क्या है, इनके भाई का नाम है अजित तेंदुलकर और इनके कोच का नाम है रमाकांत अचरेकर। तो ये सभी चीज़ें, ये सभी बातें हमने इस पाठ में देख ली। ठीक है, इनके पिताजी क्या करते थे, इनके पिताजी एक प्रोफेसर होने के साथ साथ एक मराठी साहित्य के प्रतिष्ठित साहित्यकार भी थे। इनकी माता क्या काम करती थी, इनकी माता भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC में कार्यरत थी। ठीक है, तो इनको कौन, अजीत तेंदुलकर ने यानी इनके भाई ने क्या किया, इनके भाई ने एक कोच को मिलवाया जिनका नाम है रमाकांत अचरेकर जी। तो इन सब, इन दो पैराग्राफ में हमने ये सभी बातें सीख ली। अब हम तीसरे पैराग्राफ में हम देखेंगे कि सचिन तेंदुलकर किस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे और इनका मुकाबला कौन से टीम के साथ हो गया और इन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यह अब हम इस पैराग्राफ में देखेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, बहुत सारे घरेलू मैचों में अच्छे प्रदर्शन के बाद सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण 15 नवंबर 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ किया था। तो इन्होंने ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत सारा अभ्यास करने के बाद इन्होंने क्या किया, 15 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए वे उतरे। कब उतरे, 15 नवंबर
1989 में पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने भाग लिया, क्रिकेट में भाग लिया। तो ये कितने वर्ष के थे? ये 16 वर्ष के थे। 16 वर्ष का यह लड़का जब क्रीज पर आया, ठीक है, तो विपक्षी टीम में से टिप्पणी आई, देखते हैं अभी। जाओ बच्चे, घर जाओ, दूध पियो, ऐसे उनको टिप्पणी दी गई। यानी उनको ऐसे बोला गया कि विपक्षी टीम से, यानी अपोजिट टीम से क्या बोला गया, जाओ बच्चे, क्योंकि ये बच्चा तो था, 16 वर्ष का था, तो उनको बोला गया कि जाओ बच्चे, घर जाओ, दूध पियो। तेज गेंदबाज वकार यूनुस की गेंद इस लड़के के नाक पर लगी। तो तेज गेंदबाज कौन है? वकार यूनुस, ठीक है। तो इसकी गेंद से क्या हुआ, इसकी गेंद से इस लड़के के नाक पर लगी वो गेंद, और उनके नाक से क्या होने लगा, खून बहने लगा। सबने सलाह दी, सब बोलने लगे कि सचिन अस्पताल जाओ, मत खेलो। कुछ देर रुकने के बाद सचिन ने केवल दो शब्द कहे। तो सब लोग उनको बोलने लगे कि सचिन अभी तुम्हारे नाक से खून बह रहा है, तुम घर जाओ, मत खेलो। लेकिन कुछ देर के बाद सचिन ने दो ही शब्द बोले, वो केवल क्या है, मैं खेलेगा। ये दो शब्द उसने बोले, क्या बोला उसने, मैं खेलेगा। और सचिन खेलते ही गए, इतिहास रचते गए। सचिन जितने अच्छे खिलाड़ी है उतने ही अनुशासन प्रिय और शांति प्रिय व्यक्ति है। अपने सीनियर क्रिकेटर, साथी क्रिकेटर, अंपायर सभी की बहुत इज्जत किया करते थे। कभी खेल के दौरान झगड़ा या बहस नहीं किया करते थे। काफ़ी सालों तक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके। तो इनको विपक्षी टीम में से एक आवाज़ आई, एक टिप्पणी आई कि जाओ बच्चे जाओ, तुम घर जाओ और घर जाकर दूध पियो। ऐसे सुनते ही वो चुप नहीं बैठे, और आगे वाला जो विपक्षी वाले यानी अपोजिट टीम का जो गेंदबाज था वकार यूनुस, उसकी गेंद से क्या हुआ, सचिन के नाक को लगी, और नाक से क्या बहने लगा, खून बहने लगा। सभी लोगों ने उनको सलाह दी लेकिन सचिन सुने नहीं। सचिन ने क्या किया, सिर्फ दो शब्द इस्तेमाल किए कि मैं खेलेगा। सचिन ऐसे ही खेलता गया और भारत का नाम रोशन करता गया, और उनका आज इतिहास में भी नाम है, सचिन तेंदुलकर भगवान मानते हैं। तो जितने सचिन ने जितने भी खिलाड़ियों के साथ काम किया, उनके साथ खेल खेला, वो सभी उतने ही अनुशासन प्रिय और शांति प्रिय व्यक्ति वो सभी लोग क्या कहते थे, और आज भी उनको एक अच्छा नाम उन्हें दिया गया। अच्छा नाम देने के साथ साथ उन्होंने क्या किया है, इनका स्वभाव जो है वो बहुत ही शांति प्रिय है, और वो सभी सीनियर हो, जूनियर हो, अंपायर हो, उनके साथ खेलने वाले जितने भी लोग हो, उनको उन्होंने वैसे ही सभी को इज्जत दी, और कभी किसी के साथ उन्होंने झगड़ा नहीं किया, बहस नहीं की। इन्होंने काफ़ी सालों तक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी बन चुके हैं, और इनके खेल ने ही इन्हें क्रिकेट का भगवान का यह दर्जा दिया है। सब लोग उनको क्या कहते थे, सब लोग उन्हें लिटिल मास्टर, मास्टर ब्लास्टर, द मास्टर, तेंदलिया इन आदि नामों से उनको बहुत ही प्रेम पूर्वक पुकारा करते थे। तो बच्चों, यहाँ पर हमने किस तरह से वे सचिन तेंदुलकर अपने 16 वर्षों में क्या क्या उन्होंने सहा, किस तरह से वे खेले, लोगों के साथ उनका किस तरह से बर्ताव रहा, ये हमने इस पैराग्राफ में देखा। तो चलिए बच्चों, अभी हम आगे देखते हैं। क्रिकेट के मैदान में सिर्फ
बल्ले से ही नहीं बल्कि गेंद से भी जादू दिखाया। तो क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं की, बल्लेबाजी यानी बैटिंग, ठीक है, और बल्कि उसी के साथ साथ उन्होंने गेंद से भी जादू दिखाया, यानी बैटिंग और बॉलिंग का भी इन्होंने क्या किया, जादू दिखाया। सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैच खेले, तो उन्होंने 200 टेस्ट मैच खेले जिन्में इन्होंने 15,921 रन बनाए। तो 200 टेस्ट मैच खेले और उनमें से 15,921 रन इन्होंने बनाए। टेस्ट मैच में इनका उच्च स्कोर 248 नॉट आउट रहा है। इन्होंने 463 वनडे मैच खेले जिसमें इन्होंने 18,426 रन बनाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 463 वनडे मैच जो थी वो 463 वनडे मैच इन्होंने खेली और उन्होंने इसमें 18,426 रन बनाए। वनडे मैच में इनका उच्च स्कोर 200 रन नॉट आउट का रहा, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमने इस पैराग्राफ में सभी इनकी गेंदबाजी बल्लेबाजी सभी देखी, उन्होंने कितने टेस्ट मैच खेले, कितने रन बनाए, कितने नॉट आउट हुए, ये सभी स्कोर इस पैराग्राफ में हमने देख लिया। तो चलिए बच्चों अभी हम इनको किन किन पुरस्कारों से पुरस्कृत किया है ये अभी हम इस पैराग्राफ में देखते हैं। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले ये सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। तो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है। तो भारत से इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है, ठीक है। और ये पुरस्कारों से सम्मानित होने वाली ये सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र वाले व्यक्ति, यानी 16 वर्ष में ही इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक क्रिकेट खेल खेला, तो सबसे कम उम्र वाले ये व्यक्ति इन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला। और कौन से पुरस्कार मिला है देखते हैं। इसी के साथ साथ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों से भी इन्हें सम्मानित किया है। तो इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार यानी भारत रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है बच्चों। तो इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, भारत रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो क्रिकेट से गहरा लगाव रहने के कारण ही सचिन एक लेजेंड प्लेयर के रूप में आईपीएल में मुंबई इंडियंस टीम से ये खेलते रहे। वर्ष 2013 में इन्होंने क्रिकेट के मैदान से अवकाश लिया। सन 2012 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किए गए। सन 2012 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी इन्हें नामित किए गए। सचिन के जीवन पर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम था सचिन ये बिलियन ड्रीम्स। तो ये फिल्म का नाम है सचिन ए बिलियन ड्रीम्स। इस फिल्म को देखने गए दर्शकों ने सिनेमा हॉल में ही स्टेडियम का दृश्य उपस्थित कर दिया। पूरा हॉल सचिन 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 के नाम से गूंजता रहा। तो इनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है। तो कौन सी है वो फिल्म, ए बिलियन ड्रीम्स। तो जैसे ही लोग दर्शक यानी देखने वाले, तो दर्शक जैसे ही सिनेमा हॉल में पहुंचे स्टूडियो में, तो सचिन स्टूडियो में जो दृश्य था देखने लायक दृश्य था, वो पूरा का पूरा जो हॉल था वो सचिन 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 इसी नाम से पूरा जो हॉल था वो गूंज रहा था। 5 फीट 5 इंच का यह व्यक्ति सचिन तेंदुलकर इंसानियत का फर्ज भी बखूबी निभा रहा है।
सचिन प्रतिवर्ष 200 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी हेतु अपनालय के नाम का एक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ भी चला रहे हैं। इसके अलावा सचिन ने कई सारे गांवों को भी अपनाया है। इन गांवों के विकास और उन्नति की जिम्मेदारी सचिन की है। इनका खुद का एक छोटा सा खुशहाल परिवार है। इनके परिवार में कौन कौन है? पत्नी अंजलि, बेटा सारा और बेटी सारा और बेटा अर्जुन। क्रिकेट के इतिहास का चमचमाता पन्ना सचिन की गौरव गाथा का बयान है। तो इसमें सचिन ने बहुत सारे सोशल वर्क भी किए हैं और लोगों की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ली है। उन्होंने क्या क्या किया है देखो, अपनालय यह एक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ भी यही चलाते हैं और आसपास के जो गांव है कुछ गांव इन्होंने अपनाए हैं और उनके विकास और उन्नति की जिम्मेदारी भी इन्होंने अपने खुद के ऊपर ली है। ठीक है बच्चों, तो इनके परिवार में कौन कौन है? पत्नी अंजलि है, बेटी सारा और बेटा अर्जुन है। ये क्रिकेट के इतिहास का चमचमाता पन्ना सचिन की गौरव गाथा का बयान है। तो बच्चों, किस तरह से सचिन तेंदुलकर अपने जीवन में एक अच्छा नागरिक बन पाया और उन्होंने भारत का नाम किस तरह से रोशन किया, ये हमने इस पाठ के जरिए देखा। तो बच्चों, आप भी अगर आपके मन में एक लक्ष्य रखोगे आपके, तो वो उस लक्ष्य को पहुंचने तक कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन सभी कठिनाइयों को अगर आप हंस के स्वीकार कर आगे बढ़ोगे, तो इस तरह से सचिन तेंदुलकर जी ने किस तरह से भारत का नाम रोशन किया है, वैसे ही आप भी कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ में कुछ शब्दार्थ है, देखेंगे। प्रतिष्ठित, सम्मान, सम्मान प्राप्त या फिर आदर प्राप्त। तो प्रतिष्ठित यानी क्या है? सम्मान से सम्मान प्राप्त या फिर आदर प्राप्त। प्रशिक्षण यानी नियमित रूप से दी जाने वाली शिक्षा या फिर ट्रेनिंग। पदार्पण यानी आगमन। अवकाश यानी छुट्टी या फिर फुर्सत। चहेते यानी अत्यधिक प्रिय। प्रदर्शन यानी दिखलाना। सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा। तो इस पाठ में हमने शब्दार्थ देखे और पाठ को भी पढ़ा। ठीक है बच्चों, इस पाठ को आपको दोबारा पढ़ना है और इस पाठ को समझना है। तो यहाँ पर हम यह पाठ खत्म करते हैं। धन्यवाद।